अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। उसको सजा नहीं दी, खाई की उसकी सजा हमारे हाथों लिखी। सुने ना, सुने ना, सुने ना, बिटिया का और लंबी सांस ले, लंबी सांस ले बिटिया। नमन जी, मामा मुझे क्यों प्यार करते हैं? मामा कच्चा के साथ ऐसा क्यों हो गया? तुम्हारी गलती नहीं है बिटिया, हम जानते हैं। लंबी सांस लो। सुने ना, सुने ना, सुने ना, सुने ना, पानी पानी पियोगी? लंबी सांस लेती रहो, हम अभी आ रहे। लंबी सांस लेती रहो, आ रहे आ रहे आ रहे, जल्दी आ रहे। डालोगी तुम हमारी शादी? तोड़ोगी? जब सॉरी, हमें माफ कर दो प्लीज। आई वेरी वेरी सॉरी। भाड़ में गया तुम्हारा सॉरी और भाड़ में गई तुम। चांदर झाड़ देंगे पक्का। जा, आप शगुनी ही नहीं, पश्चाची नहीं हो तुम, समझी? हमारी खुशियों को आग लगा दिया तुमने, आज नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हें। पंकजा, हमने तरफ देखो, अपनी कराची की ओर देखो,
सुने ना काना जी की ओर देखो और उनकी सीख को याद करो। क्या कहते हैं वो गीता में, अन्याय सहना भी उतना बड़ा पाप है जितना अन्याय करना। बिटिया उनकी सीख को याद करो, मत कहो अन्याय, मत कहो ये अन्याय। अरे तुमने अगर कुछ गलत किया ही नहीं है तो काहे सह रही हो या अत्याचार। लड़ो अपने लिए बिटिया, तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो बिटिया, लड़ो अपने लिए, हिम्मत जुटाओ सुनैना, लड़ो अपने लिए, अपनी माँ के लिए लड़ो, अपनी काना जी के लिए लड़ो, उनकी सीख को याद करो बिटिया, तुम कर सकती हो सुनैना, करो, अन्याय से लड़ो बेटा, अन्याय से लड़ो सुनैना, अन्याय से लड़ो काना जी, किसी का लाज रखो सुनैना, सुनैना तुम कर सकती हो, हिम्मत जुटाओ काना जी, शक्ति दो हमें। तुम्हारे साथ जो हुआ है ना पंकज, उसका हमें भी बहुत अफसोस है। अरे शादी टूट गई तुम्हारी, बहुत गलत हुआ, और हम तुम्हें आखिरी बार कह रहे हैं, इस सब में हमारा कोई भी हाथ नहीं था, और तुमने आज हमारी जान लेने की कोशिश की। जानती हो ना कितना बड़ा गुनाह है ये गलती आज के बाद दोबारा कभी मत दोहराना। हम तुम्हारा अत्याचार अब नहीं सहेंगे, समझी? ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 10 बजे। बा सुने, बा, अरे एक लड़का जिंदगी में तुमको भाव का दे दिया, अरे तुमरा तो जबान 10 हाथ लंबा हो गया, तुम्हारा वो भर कान फिटनेस इतना भर गया कि जो लड़की का होने वाला पति तुम छीनी हो उसी को धमका रही हो तुम। दूल्हा चोटिल कहेंगी। सिबिया, तुम दोनों को यहां से ले जाओ वरना अब तो अनर्थ हो ही जाएगा। लेकर जाओ इनको। मम्मी दीदी चलिए आप यहां से, चलिए। ए सिबिया, तुमको तुम्हारा बड़ी मम्मी को गोद दे दे। तो कहा है ना आजकल तुम्हें लक्षण जो है ना हमको सही नहीं लग रहे। अपनी बड़ी मम्मी की चमची बनकर तुम अपना असली माँ और बहन का ना माँ बहन एक करके रखी हो। हो गया आपका, निकाल लिया आपने सारी भड़ास, अब चलिए आप मेरे साथ दी, चलिए। हाँ हाँ ठीक है, जा रहे हैं हम, चलो पंकजा। उस तय खाने वाले की इतनी हिम्मत, क्या हो गया है आपको? आप प्लीज शांत हो जाओ। इसके अंदर का चपाला कुकी फट गया है, बाहर आ गई है। तुम जाओ इसके लिए पानी का गिलास लेके आओ, कहीं ऐसा ना हो गुस्सा में आके अपना बाल ही नोच डाले, फिर टकली पंखे का तुम्हारा शादी कैसे होगा? जाओ, अरे लेके आओ, जल्दी जाओ, खड़ी हो यहाँ पे। मम्मी आप तो दूर तो चम टाइप की है। अरे हम तो तुम्हारा मन हल्का हो जाए के लिए हम बोले थे टकली पंजा वाला बात। सीरियस है मम्मी, आप तो शातिर खिलाड़ी है ना, कुछ कीजिए। तो गोला बारूद बंदूक जो मिले लेकर आइए, काहे कि
हमको सुनैना का चैप्टर आज ही खत्म करना है। हे भगवान, अरे बुद्धि भ्रष्ट हो गया क्या तुम्हारा? अरे बाहर काट करके जेल में जाना है तुमको। अरे दिन में 10 तरह का ये जो ब्यूटीफुल बनने के लिए क्रीम लगाती हो ना तुम, अरे जेल में तुमको कड़वा तेल भी नहीं मिलेगा। क्या करना है तुमको? उतना खाना वाली को समय सिखाना है उसके लिए है ना? अरे हम बताएंगे तुमको कि क्या करना है। ऐसा लगता है सभी लोग तुझे इंसान नहीं शिकार समझते। कैसे करी तेरी रक्षा, कैसे रक्षा करे तेरी? सॉरी माँ, माफ कर दो। ना चाहते हुए भी मैं आपकी जिंदगी की कितनी बड़ी मुसीबत बन गए। जी कैसी बात कर रही है? माँ के लिए कभी बेटी मुसीबत होती है का? ये जो आज नमन सिंह को लेकर हुआ ना, ये दोबारा नहीं होना चाहिए। सुने ना, कहीं तुम नमन सिंह को चाहने तो नहीं लगी हो ना? सुनैना, अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे पंकजा से नहीं बल्कि तुमसे शादी करनी, तो तुम क्या कहोगे? नहीं, ऐसी कोई भी फीलिंग्स नहीं है हमारे अंदर। प्लीज एक बार कह दो कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। नहीं, कह दिया ना नमन जी, हम आपसे कोई प्यार नहीं करते, और आपकी 100 दलील देने के बाद भी ना इस सच नहीं बदलने वाले। आप पता नहीं, पर जब भी हम नमन जी के साथ रहते थे ना, तो हमें एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि वो हमें मिल जाए। पर हाँ, एक ख्याल मन में हमेशा रहता था कि हमें जो भी मिले बस उनके जैसा मिले। सुने ना, मैं कितनी बार कहा है तुमको कि ये शादी ब्याह, ये प्यार मोहब्बत, ये सपनों का राजकुमार, ये सब तुमने लिए नहीं। तुम कहीं नहीं समझ रही हो, कहीं जिद कर रही हो। क्यों माँ, क्यों? शादी से इंसान की जिंदगी पूरी होती है, हर इंसान एक ना एक दिन शादी जरूर करता है। तो फिर आप ऐसा क्यों कहती हो कि ये सब सुनैना के लिए नहीं बना? हम क्यों नहीं देख सकते राजकुमार के सपने? तो हम तहखाने में भी नहीं रहते हैं ना, हम क्यों नहीं जीत सकते एक नॉर्मल सी लाइफ? नहीं जी सकते तुम सुनैना, क्योंकि हम क्या माँ? क्योंकि तुम बहुत खास हो। वो कहते हैं ना स्पेशल, बहुत ही स्पेशल। और स्पेशल लोगों को थोड़ी ज्यादा तकलीफ सहनी पड़ती है, और इसीलिए वो काला शैतान भी तुम लोग पीछे पड़ा। और ये तकलीफ और काले शैतान से ना कोनो राजकुमार तुम्हें नहीं बचा सकता, फिर तुम्हारी मां बचा सकती। और तुम्हारी मां ना हमेशा तुम्हारा साथ देगी और तुम्हें हर मुसीबत से बचाएगी। हाँ, thank you.
अरे मेरी बच्ची, पंकजा क्या कर रही हो तुम? ऐसा मत करो ना बेटी, आप अपनी बात का ही नहीं सुन रही हो तुम? पंकजा क्या हो गया है तुमको? और तुम, तुम्हारी वजह से हमारी बेटी का यार हुआ ना, तुमने आग लगाई हो ना, तो फिर हमारी बिटिया को सुहा करते काहे देख रही हो? जाओ आगे जाके हमारी बिटिया का सारा सपना, उसका सारा खुशियों को ना सुहा कर दो, जाओ ना। अब मैं आपकी पतंग और चक्री ले लूं? ये लो और इसे ना छोड़ो, इसे नहीं। क्या कर रहे हो? छोड़ो। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 9 बजे। पति जी रुक जाओ जी, जी कि मैं सिर्फ और सिर्फ सुनैना से प्यार करता हूं। अब देखो तो खुद ही अपने हाथों से चुन चुन के लाई थी सजावट जी, जी अब खुद ही तोड़ रही है। जी। ये मम्मी भी ना ओवर कर देती कभी कभी। अरे नौकरों को ऑर्डर देकर मंगाती बड़ी माई हर एक सामान, और कह रही है कि चुन चुन कर लाई थी। लबरा रही है तुम्हारी मम्मी, इनको ना लबर लबर करने का कोई भी मौका मिले तो छोड़ती नहीं है, अपने जिज्जी की चमची कहेंगी। देख ली तुम्हारा इज्जत घटिया फालतू लोग ससुर नीच लोगों तक। अब देखो तो चार दिन का लौंडा हमारे घर में हमको बताएगा तुम्हें इतने लग जाएगी। घूम जाइए जी। माँ आप भी शांत हो जाइए, आपको चोट लगी। लगने दो चोट, लगने दो। दुनिया का कोई भी जख्म, कोई भी चोट इतना गहरा नहीं होता है जितना तुम हमारे दिल में दर्द दिए हो, हमारे सम्मान को चकनाचूर किए हो तुम। सर उठा के हम बाबूजी से वादा किए थे, पूरे मुंगेर को छाती ठोक के हम बताए थे कि हमारे बेटे का ब्याह होने वाला है। वो हमें नहीं पता था कि तुम ऐसा करोगे हमारे साथ, हमारी जुबान को झुटला दोगे। और आज मुंगेर के लोगों के सामने जो तुमने हमारे मुंह पे चाटा मारा है ना, हम अपना मुंह किसी को दिखाने लायक नहीं रह गए। इसलिए हो तुम हमारे लाड प्यार का, इसलिए हो बोलो, इसलिए हो। सबका नाटक है, छोड़ इसे। पंकजा सफेद कपड़ा काहे पहने? सिर्फ शादी टूटा है, तुम विधवा नहीं हो गई? बा, प्रवेशी बा, वो पता है यही उम्मीद किए थे हम आपसे। हमारा पिटिया का शादी टूट गया दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन इसका शादी के साथ साथ का सारा खुशियां, सारा सपना, सारा अरमान भी उजड़ गया, नहीं दिख रहा है आप।
शादी की वजह से हमारा बिटिया का होने वाला दुल्हन उसको 20 मंडप में छोड़ के चला गया है। सारा दुनिया समाज के सामने एक छोड़ी हुई दुल्हन को कौन अपनाएगा, कभी सोचे हो? चलो मान लेते हैं कि कोनो लड़का उसको अपना लेगा, पर इस बात की क्या गारंटी है कि लड़की एक दुल्हा चोटी उस दुल्हा को बिछड़ाने की कोशिश नहीं करेगी? कोनो गारंटी है का? जमोला, जबान संभाल कर बात करो। तुम भूल रही हो कि पंकजा को नमन छोड़ के गया है। उसका दोष देने के बदले तुम इको खाए पूछ रही हो, इका क्या गलती है? अच्छा, पूरा मुंगेर हमको प्रिंसेस पंकजा के नाम से जानता है, और तुम तय खाने वाली, तुम्हें जानता कौन है? नमन क्या, घर वाले भी तुम्हें नहीं जानते थे। ना ये तय खाने से बाहर आती, ना हमारे नमन पे डोरे डालती, ना उसके प्यार में पागल होता, ना हमें छोड़ता। पंकजा, जबान संभाल कर बात करो, वरना वरना क्या का करेंगे आप? इका तमाशा चल रहा है यहाँ। हमको माफ कर दीजिए भाई साहब, आप हमसे कहे भी थे कि ये लड़की अपशगुनी है, लेकिन हम आपकी बात का विश्वास नहीं किए। लेकिन अब सच सबका सामने आ चुका है, इसलिए हम अपना हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं कि आप नई लड़की को, ये अपशगुनी लड़की को घर से बाहर निकाल दीजिए। अगर ये घर छोड़कर जाएगी तो ये का साथ हम भी घर छोड़कर जाएंगे। बस बहुत हो गया, मुंगेर का दोस्त सबसे बड़ा परिवार के बीच में दुश्मनी हो रहा है और यहाँ सबको निजी पॉलिटिक्स सूझ रहा है। भाई साहब, कुछ नहीं सुनेंगे हम। अब इन सबसे पहले जॉन हमरी बेइज्जती किया है, उसके साथ क्या करना है यही सोचेंगे हम।